बेहद बड़ी और जरूरी जानकारी हम अपना खाते लेके आए हैं। सजग कराई वाली खबर बताई कि अगर अपना विंध्य प्रदेश के राजधानी मतलब रीवा में रही थे और अपने पालतू पशु का पशु आहार खवाई थे तब अपना सतर्क हो जी, कहे से कि हो सकता है कि अपना जो पशु आहार पौष्टिक समझ के अपने पशु का खवाए रहे हैं वह कहा नकली हो, उमा बुरादा हो, मिट्टी हो। बता दें कि रीवा में इस समय अवैध पशु आहार के जो उन्हें कारोबार चल रहा है, ग्राहकन का चूना लगावे के काम की जा रहा है। बड़ी बात यह है कि पूरा जो खेल हवे प्रशासन के सहम चल रहा है। बता दें कि पशु आहार के नाम में यहाँ मिट्टी और बुरादा बेचा जा रहा है। कनौड़िया कॉम्प्लेक्स ढिगहा के सामने एक दुकान संचालित हो रही जे के द्वारा अमानक नियमन कानूनन का ताक में रख के यह पूरा संचालन अवैध पशु आहार के कीन जा रहा है। तो विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में पूजा अपना पंचे सब जगह का प्रणाम कर शुरू कर बड़ी खबर से बता दी कि रीवा में पशु आहार के नाम में मिट्टी और बुरादा बेचा जा रहा है। बताया जाता है कि कॉम्प्लेक्स ढिकहा के सौहे रमेश द्विवेदी नाम के व्यक्ति के द्वारा एक बेनाम दुकान संचालित की जा रही है जेकर नाम तक नहीं लिखा है, जहां पशु आहार का बेच के ग्राहकन के साथ खुलेआम धोखाधड़ी की जा रही है, वहाँ पशुअन के सेहत के साथ खिलवाड़ खड़ा की जा रही है। बता दें कि पशु आहार के बोरे में न तो कंपनी के नाम लिखा है और न में MRP डाली है, यहाँ तक के दुकानदार के द्वारा ग्राहक का पक्की रसीद तक नहीं दी जाती है। बता दें कि इनके लगे न था कोनो मेर के पशु आहार संचालित करे के लाइसेंस, बतावा जाते कि इनके लगे लाइसेंस नहीं है और न में दुकान के कोनो GST नंबर और न दुकान में कोनो मेर के नाम लिखा है। ओके बावजूद धड़ल्ले से पशु आहार के दुकान या जो संचालित की जा रही है वहाँ इस संबंध में जब दुकान संचालक से बात की गए तो उनके मुताबिक वो कोनो ग्राहक का पक्का बिल नहीं देता ही, उनके लगे कोनो मेर के GST नंबर हमें वह देखे दिलचस्प हुई। बता दें कि दुकानदार के पास बतावागा कि GST नंबर नहीं है। बड़ी बात यह हुई कि संबंधित मामले में अब जिम्मेदार कब कार्रवाई करा था, कब जिम्मेदार निद्रा से जगी है, इनके ऊपर कब कार्रवाई की जाएगी। में दे रहे हैं 1380 रुपये। अच्छा क्या 1280 रुपये बोरा? कितना? 1280 रुपये बोरा। क्या इसमें प्रिंट रेट की MRP दी हुई है क्या गवर्नमेंट के द्वारा? लिखा होगा। और आप कस्टमर को रसीद देते हैं इसकी बना करके? GST नंबर है आपके पास? रसीद भी नहीं देते आप? क्या नाम है आपका सर? रमेश द्विवेदी जी। रमेश द्विवेदी बता रहे कि रीवा में ऐसा लंबा समय से यह कारोबार चल रहा है जहां पशु आहार के नाम पर अब कालाबाजारी की जा रही, नकली माल बेचा जा रहा है। पशु आहार के नाम पर गुणवत्ता पूर्ण जो आहार बेचा जाता है ओके नाम पर यह कारोबार की जा रहा है, जहां कहो न कहो पशुओं के सेहत के साथ खिलाए खिलवाड़ की जा रहा है। बेहद ज़रूरी है कि इतने लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए और देखने वाली बात यह है कि आखिर यह कार्रवाई हुई था हुई कब। तो दे इजाज़त, रखिए अपन और अपने परिवार का ख्याल। प्रणाम।